खजमुआ प्रदेश में बारिश का ब्रेक, डिंडौरी और बालाघाट में तेज तो भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश के आसार। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से किया सवाल, गुजरात में हनुमान प्रतिमा खंडित होने पर चुप्पी क्यों। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देशभर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से करेगी सम्मानित। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, एनकाउंटर में मारा गया था एक आतंकी। एशिया कप के अपने दूसरे मैच में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ टीम ने सुपर फोर स्टेज के लिए किया क्वालिफाई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।